हाय माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। कल मैंने अपना फर्स्ट वीडियो अपलोड किया हुआ था, जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था कि बीपीएड क्या होता है, कैसे करते हैं, क्या टाइम ऑफ ड्यूरेशन है उसकी, और मैंने बताया हुआ था जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बताई हुई थी मैंने। तो उसमें मैंने बताया था आपको कि मैं कल अपनी वीडियो में सिलेबस अपलोड करूँगी, जिसमें बताऊँगी कैसे आप TGT, PGT, NVS के लिए तैयारी कर सकते हो। तो आज मैं अपना सिलेबस रख रही हूँ आप सबके सामने। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या कवरअप करूँगी, तो वो हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको बताऊंगी कैसे फिजिकल एजुकेशन की स्टार्टिंग हुई, क्या क्या क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कैसे कैसे मतलब आपको पढ़ना है इसमें, ठीक है। सेकंड लूँगी गेम्स। गेम्स में आप सबको बताऊंगी कि कौन कौन से गेम्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने हैं, जैसे कि खो खो हो गया, कबड्डी, मतलब मैं सारे गेम्स कवरअप कराऊँगी इसमें, कि खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बैडमिंटन। नेक्स्ट है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स में कवर कराऊँगी कि जंपिंग इवेंट और थ्रोइंग इवेंट, है ना। अवार्ड्स जैसे कि अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, कब कब दिया जाता है, किसको दिया जाता है, और क्या क्या मतलब इसकी हाई मतलब कब कब दिया जाता है, ठीक है। ट्रॉफीज़ हर स्पोर्ट्स की एक अलग अपनी अपनी ट्रॉफीज़ होती है, तो ट्रॉफीज़ अधिकतर क्वेश्चन में पूछी जाती है TGT, PGT में और KVS वगैरह में भी, तो ट्रॉफीज़ आपकी कवर अप कराऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट है एशियन गेम्स। एशियन गेम्स कब होते हैं, कितने मतलब कितने डेज में होते हैं, कितने डेज के लिए होते हैं, ये सब बताऊंगी, ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम नेक्स्ट, ये भी बताऊंगी। ओलंपिक गेम में एंशियंट कब होते हैं, मॉडर्न कब हो कब मतलब एंशियंट कब हुए थे, मॉडर्न कब से स्टार्ट हुए, क्या क्या है, कितने दिन के होते हैं। और नेक्स्ट है योगा। योगा से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगी क्या क्या है। नेक्स्ट है रिक्रिएशन। बात हूँ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक्सक्रीटरी सिस्टम से, सर्कुलेटरी सिस्टम से, और सेल से, टिश्यूज से, तो मैं ये सब बताऊंगी कि कैसे कितना कितना कब पढ़ना है। स्पोर्ट न्यूट्रिशन, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आता है कि BMI, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, फैट्स, प्रोटीन कैसे रोल क्या करते हैं हमारी बॉडी में, कितने हमको लेने चाहिए, वो सब। स्पोर्ट ट्रेनिंग तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, स्पीड हो गई, स्ट्रेंथ हो गई, हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, ये सब आते हैं। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन में तो आप लोगों ने मतलब बताऊंगी मैं क्या क्या है इसके अंदर। फर्स्ट एड भी आ गया। डोपिंग आई होप आप लोगों ने वर्ड सुना होगा डोपिंग को। नेक्स्ट है स्पोर्ट मैनेजमेंट, मेजर एंड एवोल्यूशन इन फिजिकल एजुकेशन, और किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिज्म, करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है DSSB के लिए, क्योंकि DSSB में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, करंट अफेयर्स बहुत आती है। तो ये सब आपके मतलब एक कॉमन टॉपिक्स है, ये मैं ये नहीं बोलूँगी कि पर्टिकुलर यही सिलेबस है, बट ये कॉमन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो ज़्यादा पूछे जाते हैं NVS, KVS या TGT, PGT में, तो मैं इन सब कवर करूँगी। और आपका अगर कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पूछना चाहते हो, अगर आपको डाउट हो रहा है किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि ये टॉपिक भी, तो मैं वो भी कवर कर दूंगी। और आप लोग मैं कल दूंगी अपनी थर्ड वीडियो, जिसमें मैं हिस्ट्री कवर करूंगी, हिस्ट्री करूंगी, बताऊंगी कहाँ से शुरू हुई, कब ख़त्म होगा ये, तो ये सब करूँगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू सो मच।